यार रवि, लास्ट टाइम तो वो म्यूचुअल फंड के बारे में बोल रहा था कि मैं परसों तुझे बताऊंगा। प्लीज उसके बारे में बता मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत समझ में आया लास्ट टाइम, लेकिन भाई अभी थोड़ा अपने को समझना है ना, क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छा है इसमें। प्लीज समझा मुझे, प्लीज। आई लास्ट टाइम बोला था ना मैंने कि म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा मुझसे भी ज्यादा नॉलेज वाला एक और बंदा आया है जिसका नाम है भाई राहुल, और वो तुम्हें इसके बारे में अच्छे से बताएगा भाई कि कितना रिटर्न मिलेगा। 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट, और 5 मिनट में तुम सब कुछ समझ जाओगे कि क्यों हमें म्यूचुअल फंड की SIP करनी चाहिए, क्यों हमें RDFD से ऊपर अब सोचना चाहिए। चलो, पेरेंट्स ने जो किया सो किया, लेकिन आज के यंगस्टर रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क भी कोई ज्यादा नहीं। कोई आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल डायरेक्ट पैसा नहीं लगा रहे हो किसी एक शेयर पर, आप तो एक सेक्टर पे पैसा लगा रहे हो। म्यूचुअल फंड की यही तो गणित है, और कंपाउंडिंग का मजा कुछ और है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको SIP करनी चाहिए। देखिए, तो राहुल की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इजी सिखाऊंगा, बहुत इजी वे में सिखाऊंगा, और ये सीख गए तो कभी नहीं भूलोगे। और सीखना भी क्या मतलब, जिसको कुछ आता नहीं होगा वो भी इसको सीख जाएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में दो तरीके से आप पैसा लगा सकते हैं। एक तो आप एक साथ पैसा लगा लो, चाहे 10,000 लगा लो, 5,000 लगा लो, उसको कहते हैं लमसम। और एक होता है आप SIP के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। उससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है। अब लार्ज कैप मतलब होता है जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत बड़ी, मतलब जिनका 20,000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप होता है, जैसे कि इन्फोसिस हो गई, मारुति हो गई, रिलायंस, MRF, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। फिर उससे जो छोटी कंपनी होती है वो मिड कैप के अंदर आ जाती है, जो एक मान के चलते हो आप कि 15,000 करोड़ से नीचे और 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां हैं, मतलब एस्कॉर्ट्स, रिलैक्सो, पॉलीकैब्स, ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं। अब आ गया स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में जैसे डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, शोभा लिमिटेड, ये लगभग 5,000 करोड़ तक की कंपनियां होती हैं, मतलब सबसे छोटी कंपनियां स्मॉल कैप में आती हैं। तो एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू पैसा लगा रहे हो तो सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप की कंपनीज में लगाओ, स्मॉल कैप को छोड़ दो। आप लगा सकते हो, अगर एक दो कंपनी है उसमें तो लगा सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि लार्ज कैप और मिड कैप में आप लोग पैसा लगाओ। अब क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसके अंदर होते हैं फंड मैनेजर्स, जो उसको संभालते हैं म्यूचुअल फंड को आपके लिए। ठीक है, आप सोचते हो कि मैंने तो म्यूचुअल फंड खरीद दिया, आप इसको देखेगा कौन? अरे, देखने की जरूरत तो है ही नहीं दोस्तों, SIP में यही तो मजा है। आप सबसे पहले ये देख लो आपको म्यूचुअल फंड कौन सा खरीदना है जो अच्छी खासी ग्रोथ दे रहा है पिछले 5-6 सालों से। अब आप उस फंड, म्यूचुअल फंड को आपने खरीद दिया, और पर मंथ आप अपनी सैलरी का, एक माना जाता है कि अपनी जितनी भी सैलरी होती है उसका 10% आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। माना जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, वो 10%, मतलब 10,000 रुपये अपना इन्वेस्ट करें। तो चलिए समझ लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है और आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करें। अब आपने वो डाल दिया आपने SIP में, ओके, SIP में आपने 1,000 रुपये डालना शुरू कर दिया। तो वो 1,000 रुपये क्या करेगा, आपके म्यूचुअल फंड, किसी में म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होंगे, कोई भी साहब, जैसे आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, जैसे मान के चलो आप ICICI बैंक, ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप फंड है, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें लगा दिया पैसे। अब वो क्या करेगा, इन बड़ी बड़ी लार्ज कैप, मिड कैप, इन कंपनीज में, इनमें जो कंपनीज होगी उनमें आपका पैसा बांट देगा, और उसके अंदर भी जो सेक्टर्स होंगे, जैसे देखो FMCG सेक्टर है, FMCG सेक्टर के एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे है ITC, जो गोल्ड फ्लैग होती है ना, सिगरेट बनाते हैं, वो कंपनी होती है, बहुत अच्छी कंपनी है। ऑयल एंड गैस हो गया, जैसे ONGC हो गई, केमिकल हो गया, IT हो गई, जैसे इंफोसिस हो गई, बड़ी कंपनी है। बैंकिंग हो गया, जैसे सारे के सारे जितने भी बैंक है वो बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ पे चल रहा है, तो ये जितनी भी कंपनियां हैं इन सेक्टर्स में आती है और वहां पे आपका पैसा लगाया जाता है। तो फंड मैनेजर ये देखते हैं कि आपका जो पैसा है वो सही जगह पर लगे, और सेक्टर पे बांटा होता है, जैसे कि किसी विशेष सेक्टर को 65% दिया जाता है, किसी को 30, किसी को 20। चलो, ये तो एक वो बड़ी बात है, इसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि माना आपके म्यूचुअल फंड में 10 कंपनीज हैं जिनमें आपका पैसा लग रहा है, ये 1,000 रुपये आपके लग रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, माना एक कंपनी में आपका पैसा थोड़ा कम भी हो रहा है तो दूसरी कंपनी आपको संभाल लेगी। दूसरी कंपनी किसी भी सेक्टर की हो सकती है,
दूसरी में भी कम हो रहा है तो तीसरी संभाल लेगी। तो इस तरीके से आपका पैसा बन जाएगा दोस्तों और आपको लॉस नहीं होगा। हालांकि कहा जाता है शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहां पे कुछ भी मुमकिन है, आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में मेरे हिसाब से रिस्क बहुत कम होता है और 13 करोड़ लोग इस वक्त SIP के थ्रू पैसा लगा रहे हैं। तो वो 13 करोड़ लोग बेवकूफ तो नहीं होंगे ना। 13 करोड़ बहुत होते हैं लोग RD FD से बढ़कर म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, रुकिए। ये आप गूगल में डालोगे SIPCalculator.in और यहाँ पर चले जाओगे। अब आएगा मजा खेल का। देखिए, अगर आप 5,000 रुपये लगा रहे हैं और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न आपको मिल रहा है 15%, चलिए यहाँ पे आपने 10 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया, ओके 10 साल के लिए किया, तो आपको कैलकुलेट करके कितना पैसा मिलेगा ये देखिए। देखिए दोस्तों, आपने जो इन्वेस्ट करी अमाउंट वो थी लगभग 6 लाख और आपको कितनी मिली, 13,93,286। लगभग दुगनी मिली ना। बढ़िया है। अब आप इसमें कंपाउंडिंग का मजा देखिए दोस्तों। जिसने कंपाउंडिंग सीख ली ना, उसको इन्वेस्टमेंट का गणित समझ में आ जाएगा। इसी को हम लोग 20 साल कर देते हैं। कर दिया हमने 20 साल। अब देखिए, आप कैलकुलेट किया आपने, एक्सपेक्टेड रिटर्न लगभग माना जाता है 12 से 15% म्यूचुअल फंड में आपको मिल जाता है। अब कैलकुलेट किया तो यहाँ पर देखिए आपको कितना मिलेगा, 75 लाख रुपए दोस्तों, 75 लाख रुपए। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, सिर्फ 12 लाख रुपए। ये होती है कंपाउंडिंग। और आपने वेल्थ कितनी कमाई, सिर्फ पूरी 63 लाख रुपए आपने वेल्थ कमाई। अब एक 5,000 रुपए तो आप लगा ही सकते हैं। अब बात अगर आती है यहाँ पर RD की, तो आप अंतर देखिए। चलिए 5,000 रुपए की RD आपको पता है लगभग, चलो लॉन्ग टर्म में 7% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। कैलकुलेट करें 20 साल में कितना दे रही है, एक्सपेक्टेड अमाउंट दे रही है सिर्फ 26 लाख रुपए। कहाँ 75 लाख रुपए, कहाँ 26 लाख रुपए, गेन हुआ सिर्फ 14 लाख रुपए। तो ऐसे में आप करोड़पति कैसे बनेंगे, क्यों नहीं वो विजय करोड़पति बन पाया और रवि करोड़पति बन गए हैं। इसीलिए तो रवि करोड़पति बना, क्योंकि उसने SIP के थ्रू बहुत अच्छा रिटर्न पाया दोस्तों। तो आप अगर इसी चीज को अगर 20 से 40 साल, अगर हमारे पेरेंट्स ने 40 साल तक का इन्वेस्ट किया होता यही 5,000 रुपये, अगर बचपन से आपकी SIP करी होती, तो इसका रिटर्न देखेंगे आप, अब चौंक जाएंगे दोस्तों। 20 साल में 40 साल में 1.3 करोड़ रुपए पूरा कॉर्पस जमा हो जाता दोस्तों, वेल्थ। और सिर्फ लगाए कितने होते, 24 लाख रुपए। देख रहे हैं आप कंपाउंडिंग की, कंपाउंडिंग का जो खेल है वो समझ रहे हैं दोस्तों। आज से ही SIP की शुरुआत करो। अब आगे की जो कहानी है आपको कौन बताएगा, रवि बताएगा। देखा विजय तुमने कि कंपाउंडिंग की जो खेल होता है वो कितना बड़ा होता है, और इतना सारा पैसा मैंने ऐसे ही नहीं कमा दिया, जो तुम्हें कमाने में 40 साल लगे मुझे 20 साल में लग गया। तो भाई SIP में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, अभी भी देर नहीं हुई है। और 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 रवि, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं मुझे जाता आजी, आजी क्या अभी जाता हूँ मैं, और अभी SIP करता हूँ और जाता हूँ। किससे हो जाती है, पेटीएम से भी हो जाती है, हाँ ग्रोथ ऐप से हो जाती है, हाँ और बहुत सारी है, जीरोधा है, बहुत सारी है। तो मैं अभी जाता हूँ रवि, है तुमने तो मेरी आँखें खोल दी भाई, इतना अच्छा रिटर्न मैं क्या कर रहा था भाई, हाँ। लेकिन मैं अपने जो मेरे बच्चे होंगे उनके लिए मैं अच्छा जमा करूँगा, करोड़पति बनाऊंगा उन्हें मैं। चलो मुझे तो देर हो गई, लेकिन उनको करोड़पति बनाऊंगा। अच्छा देवी और सजनों, हाँ माफी चाहता हूँ, हाँ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए बाय।